उधर चीचावतनी और उकाड़ा में आटे का हुसूल मुश्किल बन गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर हैं। आटे का बुहरान खत्म ना हो सका। चीचावतनी और उकाड़ा में आटे के हसूल के लिए कतारें लगी हुई हैं। चीचावतनी में इंतजामिया की तरफ से सस्ते आटे के सेल प्वाइंट तो लगाए गए हैं, मगर इन पर आटा कम और जरूरतमंद ज्यादा हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में इन्हें बहुत जिल्लत का सामना है। गरीबों के साथ के अच्छा सलूक करें और अच्छी तरीके से दें, और दुकानों पे धक्के खाने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, हमें अच्छे तरीके से दें आटा। गवर्नमेंट से तो हमारी अपील है कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा आटे की फ्रेमिंग की जाए या गंदम को सस्ता किया जाए, ताकि आवाम को ज्यादा मुश्किल से निजात मिल सके। शनाख्ती कार्ड पे देते हैं, शनाख्ती कार्ड फोन नंबर लिखते हैं, एक बंदे को एक ठेला दे देते हैं, जो आ रहे हैं उसको दे रहे हैं। लेडीज के लिए अलग काउंटर बना हुआ है, जेंट्स के लिए अलग काउंटर बना हुआ है। आपको मसला कोई नहीं, लाइन पहले लंबी लगती है, लेकिन आज बिल्कुल सब क्लियर है। उकाड़ा में आटे के हसूल के लिए बारिश में बेबस आवाम खवार होते रहे। सेल प्वाइंट्स का अमला खुद गाड़ी में बैठकर शनाख्ती कार्ड रजिस्टर कर रहा है, जबकि मर्द खवातीन बारिश में कतारें बनाने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि मजबूरी है कि आटा बुनियादी जरूरत है, क्या करें। कमी है आटे की और आटा सही नहीं मिल रहा और लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। जनाब आटे की जबरदस्त किल्लत है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि आटा ये सस्ता करें, मजीद इससे भी कम कर दें, क्योंकि गरीब आवाम इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। गरीब आवाम जो है वो अब लोग गरीब माएं बहनें आती हैं और उनको लोग धक्के दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, और जिन शॉपों को मिल रहा है ना आटा, उन्होंने अपना सेफ जो बड़ी थैलियां बना बना के 15 किलो वाली वो बेच रहे हैं, वो दे नहीं रहे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सस्ता आटा वाफर मकदार में मुहैया करे। साथी रिपोर्टर मियाँ इब्रार के साथ सुहेल हबीब मुगल, 92 न्यूज़, चीचावतनी। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लीजिए।